जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग ये डिफरेंशिएशन का तीसरा वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो डाले हैं जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है। तो जो भी भाई उस दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर उन दोनों वीडियो को देखिए, क्योंकि उन दोनों वीडियो में जो है डिफरेंशिएशन के वैसे सवाल कराए गए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप जाकर उन सवाल को देखिए। और दो अंक और पांच अंक स्तरीय सवाल अभी चल रहा है और ये सवाल जो है आपके एग्जाम में लगभग दो से तीन बार पूछ चुका है। तीन बार तो हम देखे हैं, इससे ज़्यादा चेक नहीं किए हैं। तो तीन बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये सवाल पांच अंक में पूछा गया है, ठीक ना। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, ये सवाल का एक टाइप है समझ लीजिए, और हमारा प्रयास होता है कि एक टाइप के सवाल को पढ़ा दे ताकि उस पर आधारित जो भी सवाल आपके सामने आए आप उसका आसानी से सॉल्यूशन कर पाए, ठीक है। तो ये टाइप है सवाल का, देख लीजिएगा। टाइप क्या है? वाई बराबर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, यानी ऐसे लगातार यदि इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक बढ़ते जाए तो ऐसे सवाल का डिफरेंशिएशन करना है। और डिफरेंशिएशन करके क्या लाना है? वाई स्क्वायर बटा में एक्स इंटू वन माइनस वाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो चलिए ऐसे सवाल को किस तरीके से बनाएंगे इस पर बात करते हैं। और आप सभी भाई से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, भागिएगा नहीं छोड़ के। एग्जाम नजदीक आने वाला है, सवाल यदि पांच अंक का पूछेगा ना तो भारी मुसीबत हो जाएगा। पांच अंक का पूछ रहा है, बुझ रहे हैं, इसलिए एकदम अंत तक वीडियो देखिएगा। पांच से सात सवाल कराने वाले हैं और वैसे खतरनाक सवाल जिससे यदि आपको एग्जाम में मुलाकात हो जाए मेरे भाई तो एकदम बुखार उतर जाएगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका बुखार ना उतरे, आप सवाल का बुखार उतारें, तो इसके लिए अंत तक देखिए, ठीक ना। यानी सवाल को बनाना सीखिए, ठीक है। जब आप सीखिएगा तभी ना जाके लिखिएगा, और जब ना सीखिएगा तो का लिखिएगा कि, इसलिए पहले सीखिए। लिखना तो आपको एग्जाम में है जाकर। आइए ध्यान देते हैं इधर। सवाल जो आपको दिख रहा है वाई बराबर है, वाई बराबर एक्स पावर में एक्स डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटिव, इसको कितना के बराबर लिखा है? वाई के बराबर। एक काम, तो वाई बराबर हम ऐसा लिखते हैं एक्स टू दी पावर, ये सब देखिए, यदि इसको छोड़ देते हैं, यदि यहां से इसको आप खत्म कर लीजिए, मान लीजिए कि ना है तो फिर तो वही दिख रहा है एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। तो इतना के बराबर में आप क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह भी तो वही चीज है ना, यह भी वही चीज है जो इससे पहले था। तो अब आप क्या कर लीजिए, इतना के जगह पर लिख लीजिए y। क्या लिख लेना है आपको? y। अब क्या करना है इसके बाद, ये तो x टू द पावर x हो गया, यानी चर के पावर में चर है, चर के पावर में चर है, हो गया भारी गड़बड़। हम तो अचर के पावर में चर का डिफरेंशिएशन बताए हैं, चर के पावर में अचर का डिफरेंशिएशन बताए हैं, लेकिन यहां चर के पावर में चर है, हो गया भारी गड़बड़। अब क्या करें, सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जब ऐसा कंडीशन आ जाए मेरे भाई, जब इस तरीके का कंडीशन आ जाए कि चर के पावर में चर हो, चर के पावर में चर हो, तो एक आसान काम करना है, दोनों तरफ लॉग सटा दीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो भी काम करते हैं बराबर के दोनों साइड, एक तरफ ना, दोनों तरफ काम कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तब जाके ना ठीक लगेगा। आप जैसे मान लीजिए कि मुंह है, एक तबरा को मार दिया तो इन तब फूल जाएगा, हाँ नहीं अच्छा लगेगा। आ यदि एनहूम मार दिया तो दोनों तरफ फूल जाएगा, तो लगेगा हाँ मोटा गया इतनी कि, हाँ। तो वही चीज है, जो भी क्रिया करेंगे समीकरण के दोनों साइड बैलेंस रहना चाहिए ना। तो दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका log y बराबर log x टू द पावर y, ठीक है। अब आपको बताए हैं कि log में देखिएगा कि उसके गुणांक के पावर में जो रहता है वो यहां आगे आ जाता है ना,
ये जो है कहां आ जाएगा, आगे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका log y बराबर y इंटू लॉग एक्स। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज कर लीजिए। x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, d log y, बता दिए हैं log का कोणांक बटा में उतरेगा तो dy। अब देखिए dy को ऊपर ले जाएंगे तो dy बटे dx। जब तक बटा में dx नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएशन करते रहना है, यानी यही क्रिया होते रहेगा। अब आइए, यहां दो अलग अलग फंक्शन गुना में आपको दिख रहा है, एक है y एक है log x। तो जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में आ जाए तो उसके लिए क्या करना है, एगो को बाहर करके एगो का डिफरेंशिएशन कीजिए, प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर दूसरा को बाहर कर लीजिए, पहला का डिफरेंशिएशन कीजिए, हो गया आपका गुना का रूल खत्म। ठीक है, तो क्या करना है, पहला को बाहर रखिए, y को बाहर रखेंगे, d log x बटा में क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो dx। ठीक है, इसके बाद प्लस देखिएगा, अब दूसरा को बाहर रखेंगे तो log x को बाहर रखिए, log x को बाहर रखेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, y का, तो क्या हो जाएगा dy बट्टा में dx। आ जाइए इधर, डिफरेंशिएशन आपको याद रहना चाहिए। यदि आपको डिफरेंशिएशन याद नहीं है, डिफरेंशिएशन का फार्मूला, तो इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट वन में डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला बता दिए हैं, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि फार्मूला ही मेन हथियार है। अब मान लीजिए कि बंदूक आपके हाथ में है, आप गोली नहीं है, तो कैसे काम चलेगा, मार देगा कोई, ठनाक से उलट जाइएगा हमें। ठीक है, देखिए तो क्या हो जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/y। क्लियर है, dy/dx ज्यों का त्यों रहेगा, dy/dx ज्यों का त्यों रहेगा। इधर आ जाइए, बराबर y इंटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x प्लस log x इंटू dy/dx, log x इंटू dy/dx, जिसका मान निकालना हो उसको बराबर के एक साइड, और जो आपको नहीं चाहिए उसको बराबर के दूसरे साइड। ठीक है, तो हमको चाहिए dy/dx, तो dy/dx को एक साथ रखिए, 1/y इंटू dy/dx, और उधरों एगो dy/dx वाला है, यहाँ है ना, ये प्लस में है, इनने आ जाएगा माइनस में, तो माइनस log x इंटू dy/dx बराबर, देखिए y को एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, y अब बट्टा में x, y बट्टा में x। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से हम dy/dx दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो जब दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे बउआ, तो क्या हो जाएगा, 1/y माइनस log x, ठीक है, और बराबर में हो जाएगा y/x। देख लीजिएगा ठीक से, अब क्या करें, ये गुना में है तो उन्हें भाग में जाने दीजिए ना, यही तो कीजिएगा, dy/dx बराबर हो जाएगा y/x, और देख लीजिए इधर आ जाएगा तो क्या होगा, पहले यहां पर आप लिखिए इसको इत्मीनान से, 1/y माइनस log x। ठीक है, हाँ, अब इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक मान के अब भिन्न का घटाव कर लीजिए, यही ना कीजिएगा, कर लीजिए, तो हो गया dy/dx बराबर में क्या होगा, तो y/x, इसका लॉस कितना हो जाएगा, y, आ देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपका y को y से भाग देंगे, भिन्न का घटाव कर रहे हैं तो y में y से भाग देंगे, भागफल एक, आ एक को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक, माइनस एक में y से भाग देंगे तो भागफल होगा आपका y, और y को log x से गुना करेंगे तो होगा y इंटू log x। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3/ तो नीचे वाला उलट के ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ऊपर में, एगो y पहले से है, एगो नीचे वाला y ऊपर चल जाएगा, अब इधर हो जाएगा x इंटू 1 - y इंटू log x। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो सिद्ध करने वाला था, वो आसानी से आ गया, देख सकते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए सभी भाई,
एक बात मालूम है, रात में जब हम क्लास लेते हैं ना 8 बजे से, तो आप लोग सवाल तो बनाते हैं लेकिन बहुत आदमी दिस डैट वाला चैट शुरू कर देते हैं। मेरे भाई ए बबुआ एने हेने ध्यान दो, हेने इस पर ध्यान दो, इस पर काहे रे, मात्र 27-28 दिन का टाइम बचा है बबुआ, 27-28 दिन दिस डैट छोड़ दो, ठीक है, जिंदगी भर वह करना है, यह 27-28 दिन वक्त है। ये वक्त जिसने गुजारा, जिसने इस वक्त को नहीं पहचाना, वक्त उसको नहीं पहचानेगा, और जिस दिन वक्त आपको नहीं पहचानेगा मेरे भाई, उस दिन दुनिया पहचानना छोड़ देगी, और जिस दिन दुनिया पहचानना छोड़ देगी उस दिन तुम किसी लायक नहीं रह पाओगे मेरे भाई, किसी लायक नहीं रह पाओगे। इसीलिए जिंदगी बनाना है, जिंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो इस 27-28 दिन को अपने प्रेमिका की तरह समझो और मोहब्बत करो, इस समय से मोहब्बत करो, अपनी कॉपी से मोहब्बत करो, अपनी कलम से मोहब्बत करो, अपनी किताब से मोहब्बत करो, अपनी नोटबुक से, ठीक ना। यदि बेवफा भी निकलेगी तो आपका मुकद्दर बनाकर जाएगी, बेवफा भी निकलेगी तो आपका मुकद्दर बनाकर जाएगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, अब बीच में वीडियो छोड़ के नहीं भागेगा कोई, बीच में नहीं छोड़ के भागेगा, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं मेरे भाई, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपको, जल्दी से नोट तो कीजिए आप जल्दी। चलिए दूसरा सवाल अब आपके सामने है, ये सवाल आपके दो अंक स्तरीय सवाल है, ठीक है, दोनों को हम एक ही साथ लेके चल रहे हैं, सब्जेक्टिव में जो 5 अंक स्तरीय होते हैं और 2 अंक स्तरीय, दोनों के एक ही बार हम देख लेते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा छोटा सवाल होता है 2 अंक वाला, और 5 अंक वाला थोड़ा सा बड़ा होता है, और क्या है, यही तो चीज़ है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो लगाना पड़ता है ना उतना ही, इसलिए दोनों को एक ही साथ लेके चलते हैं। देखिए सवाल आपका है वाई बराबर टेन साइन इनवर्स एक्स, पहले आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर फंक्शन को पहचानने का प्रयास कीजिएगा, टेन ई जो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है टेन के कोणांक में लिखा हुआ है, ठीक है, टेन के कोणांक में लिखा हुआ है। चलिए तो अब आपको एक्स के सापेक्ष इसका अवकलज करना है, तो क्या हो जाएगा dy बटा dx बराबर d tan sin इनवर्स x, और आपको बताए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कोणांक होता है उसको बटा में लाते हैं, तो बटा में आ जाएगा d sin इनवर्स x। अब देखिएगा ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा d sin इनवर्स x बटा में dx, बटा में क्या होगा dx, ये हो गया dy बटा dx बराबर tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहां लिखेंगे sec स्क्वायर, कोणांक में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, tan का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जो कोणांक में रहेगा उसको ज्यों का त्यों लिखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है तो 1/√1 − x², ठीक है। तो अब आप इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर sec स्क्वायर साइन इनवर्स x और बट्टा में √1 − x², ठीक है, √1 − x², आसानी से बन गया सवाल, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको भी, हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए सभी लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, और यह सवाल काफी मजेदार सवाल है, यह सवाल लगभग एग्जाम में 4 बार पूछा गया है आपको, ठीक ना, 4 बार यह सवाल पूछा गया, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि यह 4 बार एग्जाम में पूछ दिया है। हल्का वाला सवाल तो आप एकदम ऐसे ही बना दीजिएगा, लेकिन इस तरीके के सवाल में थोड़ा सा आप रुक जाएंगे वहां पर, एको बार नहीं रुकिएगा, एको बार नहीं, पहले सवाल को समझिए, ठीक है, फंक्शन को पहले समझिए, बाद में डिफरेंशिएशन कीजिएगा। देखिए क्या है साइन, और साइन के कोणांक में ही पूरा है, ठीक है, इसके बाद कॉस, और कॉस के कोणांक में ही पूरा है, इसके बाद है टेन, और टेन के कोणांक में ई वाला है कॉटेक्स, समझ में आ रहा है, फिर से समझिए, साइन के कोणांक में है कॉस टेन कॉट, ठीक ना, और यहां कॉस के कोणांक में है टेन कॉट, और टेन के कोणांक में है कॉट, जब इतना आप समझ गए तो डिफरेंशिएशन आसानी से कर लीजिएगा। याद रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात के डिफरेंशिएशन करते समय उसके कोणांक में जो होता है उसको बटा में उतारना है, ठीक है, जो उसके कोणांक में रहेगा उसको बटा में उतारेंगे। तो आ जाइए x के सापेक्ष यदि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू
तो क्या हो जाएगा, डीवाई बट्टा डी एक्स बराबर डी साइन, एकदम इत्मीनान से देखिए, कोई घबराहट नहीं, कॉस एकदम सीख लेना है, सीख लेना है जल्दी जल्दी, सवाल खाली बनाने से नहीं होगा, यदि आप सीख लीजिएगा ठीक से ना तो एग्जाम हॉल में अपने से बना लीजिएगा, यदि ना सीखिएगा धरफड़ धरफड़ करके हम कुछ बता देंगे तो वह बात होगा, कॉपी में लिख ले रह जाएगा, वहां कोई काम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एक सवाल पढ़िए तो ये सवाल पढ़िए, एकदम सीख लीजिए उसको, ऐसा सीख लीजिए कि एग्जाम में जाके बनाइए दीजिएगा, समझे। हाँ, मतलब ये होता है पढ़ाई का। आ जाओ बाबू, तो अब क्या करेंगे, डी आप लोग बताइए कि बट्टा में क्या उतारे, तो हम क्या बोले, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा, तो कोणांक में सभ्य है, सभ्य उतरेगा, हाय सभ्य तो उतरेगा, एगो सभ्य उतरेगा, यानी कॉस टैन कॉट, ठीक है, यह पूरा उतरेगा, फिर इसको ऊपर ले जाइए, तनिया को नहीं घबराइए, एकदम क्रिया कीजिए, डटकर मुकाबला करेंगे, डटकर, हारेंगे नहीं, ठीक ना, डटकर मुकाबला करेंगे सवाल का, सवाल का मुकाबला डटकर करेंगे, आसानी से सवाल बन जाएगा। अब इसको तनी हटा लीजिए, तनी अच्छा लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका टैन कॉट, हे तेरी, कॉट एक्स, ठीक है, और बट्टा में आपका, अब बताइए ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसके कोणांक में दिख रहा है आपको ना, तो कोणांक वाला बट्टा में आएगा, यानी बट्टा में आएगा आपका टैन कॉट एक्स, अभी और एक बार ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, डी टैन कॉट एक्स, अब क्या आएगा, देखिए यहां पर टैन, और टैन के कोणांक में क्या है कॉट, तो ये हो जाएगा आपका डी कॉट एक्स, ठीक है, बस लास्ट, तो डी कॉट एक्स, अब बटा में क्या आ जाएगा, तो डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि कॉट के कोणांक में क्या है, एक्स है। घबराकर काम कीजिएगा तो थोड़ी होगा, इत्मीनान से काम कीजिए, एकदम धैर्य बना के, करेजा पर पत्थर रख के गणित बनाइए, ठीक ना, घबराइएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया डी वाई बट्टा डी एक्स, अब बराबर बहुआ देखो ता साइन का डिफ्रेंसिएशन कीजिए, बाकी सब ज्यों कहते हो एकदम इत्मीनान से, तनिया को भारी नहीं है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, अब बाकी सब ज्यों कहते हो, तो कॉस टैन कॉट, ठीक है, ये सब ज्यों कहते हो, इनटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, अब बाकी सब ज्यों कहते हो टैन कॉट, ठीक है, टैन कॉट, इनटू टैन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पर कोणांक में जो है ज्यों कहते हो कॉट एक्स ना, हाँ, इनटू कॉट का डिफ्रेंसिएशन, कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा, तो ये हो गया आपका डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर माइनस, देखिए एगो माइनस यहां है, एगो माइनस वहां है, तो माइनस माइनस प्लस, अब बाकी सब ज्यों कहते हो, तो कॉस इंटू कॉस टैन कॉट एक्स, ठीक है, और इसके बाद आपका हो जाएगा इंटू साइन टैन कॉट एक्स, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स, बन गया सवाल। देखने में ना लग रहा था कि वाह इतने ब्रैकेट खाली लिखल है, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, सब सवाल बनेगा, बस दिमाग को एकदम अस्थिर रखना है, कूल डाउन, एकदम धड़ाक से सवाल बन जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल जो आपको दिख रहा है इसका कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बता दिए हैं, पहले वीडियो में ही इसका कॉन्सेप्ट बता दिए थे, फर्क यह है कि यहां पर साइन 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 लिखा हुआ था, अभी एक्स 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 लिखा हुआ है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत ना है, ठीक ना। आप लोग इस सवाल का आंसर बना के और नीचे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खाली आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका आंसर कितना आने वाला है। ऐसे इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बता दिए, जो भी बच्चे डिफरेंशिएशन वाला ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखे होंगे उनको जरूर मालूम होगा कि ये शॉर्ट ट्रिक, इसके बनाने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आप लोग के कमेंट का इंतजार करेंगे, ठीक है साथियों। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अगला सवाल अब आपका क्या कहता है।
चलिए देखिए अगला सवाल जो आपका क्या है, ये x बराबर y इंटू लॉग एक्स वाई, और इसका कहता है कि dy बटे dx का मान क्या होगा। घबराना है हम है ना, गम किसी बात का नहीं है, सवाल तो बनेगा रे, एकदम आसानी से बनेगा। आइए देखिए सवाल कैसे बनाएंगे इसको, तनी सानी तकड़िया करना ही पड़ेगा ना रे। चला देख ये गुना में ने भाग में आ गया, चलो क्या हो जाएगा log x y। देखो बाबू ये दोनों गुना में है ना, और log बाहर में टुकुर टुकुर मुंह देख रहा है, ये कहता है कि देख यदि हमारा गुस्साया आ कहीं अंदर में आ गए तो दोनों को अलग अलग कर देंगे अभी ये, ठीक ना। आई बार बार गुस्सा चढ़ा रहा है दोनों, एक साथ है गुस्सा चढ़ा रहा है वहां से, ये क्या किया लास्ट में गुस्सा गया। हाँ आई अंदर घुस गया तो जैसे ही लॉग अंदर घुसेगा तो दोनों को अलग अलग कर देगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ये देख लीजिए ठीक है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब इसका कर दीजिए आप डिफरेंशिएशन, ठीक है एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, ये दोनों भाग में है ना बउआ, ये दोनों भाग में है कोई बात नहीं है, भाग का रूल भी आपको बता दिए हैं, हर को बाहर करेंगे अंश का डिफरेंशिएशन, यानी नीचा वाला को बाहर रखेंगे, नीचा वाला को बाहर रखिए ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो डी एक्स बटा डी एक्स प्लस, आप ऊपर वाला को बाहर रखिए नीचा वाला का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर वाला एक्स बाहर रहेगा नीचे वाला वाई का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बटे डी एक्स। आप बटा में क्या करना है मालूम है, सॉरी यहां माइनस का चिन्ह लगाना है, माइनस का, और बटा में जो रहेगा उसका स्क्वायर कर लीजिएगा, हो गया भाग वाला रूल का काम खत्म। ये हो गया आपका डी लॉग एक्स बटा में डी एक्स, क्योंकि लॉग वाला का कुणांक बटा में उतारते हैं, प्लस डी लॉग वाई बटा में डी वाई, क्योंकि लॉग वाला का कुणांक बटा में उतारते हैं, और डी वाई तक लाने से काम थोड़े चलेगा क्योंकि बटा में हमको डी एक्स ना चाहिए, एक्स के सापेक्ष चल रहे हैं, तो एक बार और ऊपर ले जाओ इसको डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब क्या है यहां देखिए x सॉरी y y इंटू डी एक्स बटा डी एक्स का मान कितना होगा, तो एक अब माइनस x इंटू डी वाई बटे डी एक्स, और बटा में क्या है बउआ वाई स्क्वायर, बटा में क्या है वाई स्क्वायर, बराबर में देखिएगा बराबर में इधर क्या होगा आपका, ये है हाँ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा आपका वन बटा एक्स, और फिर आपका हो जाएगा प्लस log y का होगा वन बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान दीजिएगा इधर y को एक से गुना करेंगे तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स डी एक्स, और बटा में क्या होगा y स्क्वायर बराबर, यहां देखिए क्या होगा वन बटा एक्स प्लस डी वन बटे वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। यहां से एक काम कर लीजिए आप, ये बटा में जो आपको दिख रहा है ना ये उधर चल जाएगा तो ऊपर गुना में होगा, एन से बटा में तो उन्हें ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां देखिएगा वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स आप बराबर वाई स्क्वायर को गुना करेंगे तो होगा वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स आ प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बट्टा में वाई आ इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स। बउआ एगो वाई से एगो वाई कट जाएगा ना, तो हो गया इधर वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स और बराबर में y स्क्वायर बट्टा x प्लस y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स। देखिएगा अब डी वाई बट्टे डी एक्स को एक साथ कर लीजिए ना, ये माइनस में है उन्ने प्लस में जाएगा, आई प्लस वाला इन्ने माइनस में आएगा, तो होगा y माइनस वाई स्क्वायर बट्टा x और बराबर में y इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स और प्लस x इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स, ठीक है। तो इधर देखिएगा आप, यहां थोड़ा सा अब आपको इधर दिखाएंगे क्योंकि जगह वहां नहीं है, ठीक है यहां भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स और बराबर में उधर हो जाएगा जब डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे वहां से
तो होगा वाई प्लस एक्स, यही ना होगा, यहां वाई और वहां प्लस एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान दीजिएगा इधर, अब ये y प्लस एक्स जो आपका गुना में इधर कहां आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। आप चाहेंगे तो यहां से y कॉमन ले सकते हैं, तो जब y कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई और बट्टा में x, इधर हो जाएगा आपका x प्लस वाई, अब बराबर में हो जाएगा dy बट्टा dx, ठीक है, dy बट्टा dx। देख लीजिएगा आंसर आपके सामने आ चुका है dy बटे dx का, ठीक ना। देखिए ये सवाल तो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल भी बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और काफी अच्छा सवाल भी है, ठीक है। तो इस सवाल को बनाएंगे कैसे आखिर, सबसे पहली चीज तो आपको ये क्रिया करने आना चाहिए जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। यदि वो नहीं आता है और उसका फार्मूला भी आपको मालूम नहीं है तो फिर भारी गड़बड़ है बाबू, ठीक है। आपको यहां पर फार्मूला लगाना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, जो फार्मूला हमने पढ़ा है, और यहां पर तो फार्मूला आपको 11वीं वाला लगाना पड़ेगा, ये 11वीं वाला फार्मूला होता है। यदि आपको 11वीं वाला फार्मूला त्रिकोणमिति का नहीं मालूम है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, 11वीं का फार्मूला कल वाले वीडियो में हम आपको पहले दिखा देंगे, ठीक है, कल वाले वीडियो में पहले 11वीं वाला फार्मूला आपको दिखा देंगे सभी लोगों को, ठीक ना। हाँ, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो पहले देखिए इसमें आपको इसको बदलना पड़ेगा, जो बाहर में है वही अंदर में लाना है। माइंड सेटअप कर लीजिएगा कि जो बाहर में है वही अंदर में लाना है, बाहर में टैन है तो अंदर में भी टैन चाहिए। अब इसके लिए क्रिया करो रे बाबू, त्रिकोणमिति के हर स्टेप उसका आंसर कहलाता है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको लाना क्या है, ठीक है। यदि ये मालूम हो गया तो सवाल आसानी से बना लीजिएगा, इसलिए टारगेट फिक्स हो गया कि हमको टैन लाना है। चलिए अब आप देख लीजिए, कॉस एक्स बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और बटा में देखिएगा वन प्लस साइन एक्स है ना, तो वन को लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा इधर, या फिर इसको यह भी लिख सकते हैं आप, देखिएगा प्लस में, हाँ प्लस है आपका यहां पर, प्लस क्या है देखिए तो साइन एक्स है ना, तो इसको लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब आप कहिएगा कि हम तो ना समझ लियो सर जी, आए रुको, नहीं कैसे समझेगा, समझाएंगे। पहले तो इसका फार्मूला आप देख लीजिए, देखिए cos 2x का जो फार्मूला होता है हम आपको समझा रहे हैं, ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। cos 2x बराबर फार्मूला होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो अभी इसी पर बात कर लेते हैं, यहां से मान लीजिए 2 हटा दिए, तक कोणांक में से 2 हटा दिए, गुना में से तक कोणांक के बटा में 2 हटा दिए। याद रखने के लिए आपको ऐसा बता रहे हैं कि cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो यहां से 2 हटाए तो 2 बटा में सटाए, देख लीजिए ऊपर में cos x लिखा हुआ है, यहां 2 नहीं था तो 2 हटा के बटा में लगा दिए, यानी cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। अब आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। थीटा कहने का क्या मतलब है कि थीटा के जगह पर कोई भी चीज, दोनों सेम सेम होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बराबर भी क्या होगा, 1 होगा। अब थीटा बाई टू क्यों लिखे हैं अभी पता चलेगा, क्योंकि ऊपर में एक्स बाई टू है इसलिए इसको भी उसी रूप में लिखना पड़ेगा ताकि काटना मेरे लिए आसान हो जाए, क्रिया करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो जहां एक दिख रहा है वहां पर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस। अब देखिए साइन टू एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, और फिर यहां से 2 हटाएंगे तो सबके बट्टा में 2 सटाएंगे, तो साइन x बराबर हो गया 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ना समझा, ये बात है। चलिए तो हो जाएगा y बराबर टैन इनवर्स, देखिएगा
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, यही हो जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स बाई टू आ प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है। बटा में आ जाओ बाबू, बटा में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू के होल स्क्वायर, ना लिख सकते हैं ना इसको, आए साइन एक्स प्लस कॉस लिखिए या कॉस एक्स प्लस साइन लिखिए, दोनों एक ही चीज होगा आपका। अब ध्यान दीजिएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, नीचा में दो गो ऊपर में एक गो, तो एक गो से एक गो ही कट गया, तब बच गया क्या वाई बराबर टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और बटा में बउआ कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। देखिए तो देखिए कितना मिजाजी सवाल है, आए हर एक के दिमाग में घुस जाना चाहिए बाबू रे, एक एक बच्चा के दिमाग में घुस जाना चाहिए, नहीं तो दिमाग में नहीं घुसा तो एग्जाम में जब जाओगे तो सीधे बोरा में लेके जाएगा। देखिए अब आपको क्या चाहिए मेरे भाई, बाहर में चाहिए टैन, तो हम क्या करते हैं यहां भी टैन लाने का प्रयास करते हैं, कॉस है साइन है, तो हम ऐसा करते हैं कॉस से भाग कर देते हैं, तो कॉस बटा कॉस कट जाएगा तो एक, साइन बटा कॉस टैन, फिर कॉस बटा कॉस कट जाएगा तो एक, साइन बटा कॉस टैन, फार्मूला लगा देंगे इसका कि, तो हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई टू से अंश तथा हर में भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। तो जब इसके अंश तथा हर में कॉस एक्स बाई टू से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए था वाई बराबर टेन इनवर्स कॉस एक्स बाई टू से भाग देंगे ऊपर में, तो होगा कॉस एक्स बाई टू बट्टा में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू बट्टा में साइन एक्स बाई टू, ठीक है। नीचे आ जाइए, नीचे वाला में आ जाइए, क्या कह रहा है देखिए था, तानी बरका को लिखना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू बट्टा में कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू बट्टा में हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, ठीक है। देख लीजिए अब यहां देखिए, ये कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट गया, कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू कट गया, तो वाई बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, ये कट के हो गया एक माइनस साइन, सॉरी यहां कॉस एक्स बाई टू से भाग दे रहे हैं ना, यह मिस्टेक हुआ है बउआ, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। तो देखिए साइन बट्टा कॉस यानी क्या हो जाएगा टेन, तो लिखेंगे टेन एक्स बाई टू बट्टा में यहां भी कट के एक हो गया तो प्लस टेन एक्स बाई टू। अब देखिएगा अब आएगा असली मजा, टेन इनवर्स आपको मालूम है कि एक जो होता है टेन में कितना का मान होता है, तो कहिएगा हाँ हाँ मालूम है कितना, तो 45 डिग्री का, तो लिखेंगे टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स बाई टू और बट्टा में वन ज्यों का त्यों रहने दीजिए, जब कहिएगा का है तो वह भी पता चलेगा आपको। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो एक से गुना किया हुआ है, इसमें एक से गुना किया करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़का काम करेगा। देखिएगा जहां एक दिख रहा है ना वहां आप लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, एक के जगह पर टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू, असली मजा अब आया, ठीक है। यहां देखिए एक फार्मूला अप्लाई हो गया आपका, टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी बराबर होता है टेन ए माइनस बी, समझे। हाँ तो हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स टेन ए माइनस बी, ए के जगह पर पाई बाई फोर माइनस बी के जगह पर एक्स बाई टू, तो हो गया आपका टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, ये टेन इनवर्स से टेन खत्म, क्या हो जाएगा, तो बचेगा आपका π
पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, अब खाली डिफरेंशिएशन करना बच गया है, ये आसानी से हो गया, अब डिफरेंशिएशन करना बच गया, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, सवाल काफी मजेदार है बाबू। हाँ, एक एक फार्मूला आपके लिए काम करेगा, आपके एग्जाम में चाहे किसी भी एक्सरसाइज की बात करें, त्रिकोणमिति का फार्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 के पावर जितना लगा दीजिए उतना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए क्रियाकर्म कितना ही ना आया था, वाई बराबर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी पाई बाई फोर बटा डी एक्स माइनस एक्स बाई टू, तो कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, सॉरी वन बाई टू कांस्टेंट है, तो हो जाएगा आपका डी एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो, कांस्टेंट का जीरो माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स बटा डी एक्स का कितना हो जाएगा वन, ये हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर माइनस वन बाई टू, यानी इसका डिफरेंशिएशन कितना के बराबर हो जाएगा, माइनस वन बाई टू के बराबर। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, आंसर देखिए सवाल कितना बड़ा बना था है। चलिए तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, ठीक है, एक वीडियो और आएगा डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम लोग इसके अनुप्रयोग को देख लेंगे, ठीक है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को और जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना बनती है टोटल सवाल को उसमें देखेंगे। तो कल एक बार और डिफरेंशिएशन का वीडियो आएगा, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन को, ठीक है साथियों। हाँ, और जहाँ से भी सब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा बनने का चांस है ना, उन सारे एक्सरसाइज को टच करने का प्रयास करेंगे, हम पूरा उलट के देख रहे हैं कहाँ से ज़्यादा सब्जेक्टिव पूछ रहा है। ये हो गया, फिर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स हो गया। तो यहाँ से छोटा छोटा सवाल बनते हैं दो अंक का, लेकिन जो बड़ा बड़ा सवाल बनता है, पांच अंक का सवाल बनता है, वो बड़े बड़े एक्सरसाइज से बनता है, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादातर रैखिक प्रोग्रामन, यहाँ से ज़्यादातर सवाल आपको पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव में, तो इन सारे एक्सरसाइज को टच करेंगे हम, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी बात आप लोग समझ रहे होंगे, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा ठीक तरीके से, तो वो तो आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या करना है, दिस डैट सब चीज़ आपको समझ में आ रही है, बस आप बहुत ही समझदार है, आप अपना काम करते रहिए। चलिए साथियों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।